आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, जिसमें हम काफी सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, हाइपरलिंक लगाना, टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट इत्यादि को इंसर्ट करना और साथ ही साथ वर्ड आर्ट और सिंबल का यूज करना। ये काफी सारे टूल्स हैं जो कि आज की इस वीडियो से आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट में टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। टेबल डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि कितने एरिया में आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम टेबल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एरिया सेलेक्ट हो गया जहाँ हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम टेबल पे आएंगे और यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको फिल्टर मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे डाल देते हैं फीस, यहाँ पे कोर्स। तो इस तरीके से आप जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के साथ आपको डिजाइन टूल का ऑप्शन मिल जाता है। इस टूल की हेल्प से आप अपने टेबल को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडर रॉ दिया गया है जहाँ पे फिल्टर दिए गए हैं, अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसे अनट्रिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से ये गायब हो चुकी है। दोबारा डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे ट्रिक करें और ये डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आप रो का टोटल करना चाहते हैं तो आप टोटल रॉ पे क्लिक करें और देखिए नीचे टोटल ऑप्शन आ चुका है। इसी तरीके से यदि आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रिक करें, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरीके से आप यदि लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और लास्ट कॉलम भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफी सारे टेबल स्टाइल मिल जाते हैं जो कि इनबिल्ट हैं। आपको इनमें से जो भी स्टाइल चूज करनी है आप चूज करिए, वही स्टाइल आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी टेबल यहाँ ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगी। मतलब इन टेबल स्टाइल में से आप जो स्टाइल चूज करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का। पिक्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ आपको अपनी फाइल में कोई इमेज डालनी होती है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। जैसा कि आपकी पिक्चर इंसर्ट हुई तो इसके साथ ही आपको फॉर्मेट का ऑप्शन भी मिल चुका है। फॉर्मेट के ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं इस पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ से आप इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर की साइज कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और आप इसकी फॉर्मेटिंग को भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर स्टाइल्स मिल जाते हैं, जिस स्टाइल में भी आप अपने पिक्चर को रखना चाहते हैं बस आप उस स्टाइल को चूज कर लीजिए, आपकी पिक्चर उसी स्टाइल में सेट हो जाएगी। और आप अपने माउस के लेफ्ट बटन का यूज़ करते हुए इसे आप अपनी फाइल में कहीं भी मूव करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर शेप का ऑप्शन मिलता है, यदि आप चाहें तो पिक्चर के शेप को बदल सकते हैं। जिस शेप में भी आपको पिक्चर चाहिए आप उस शेप पे क्लिक करें और आपकी पिक्चर बिल्कुल उसी शेप में एडजस्ट हो जाएगी। और कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएंगे। इस टूल से आप अपने पिक्चर के बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ से देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स है और इसकी मदद से आप अपने पिक्चर्स में इफेक्ट दे सकते हैं। सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड में सीख चुके हैं और यही टूल्स आपको सेम एमएस वर्ड में भी मिलते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ कई टाइप के इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि 3D है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडो है। तो जो भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें और आपकी पिक्चर पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट टैब में यहाँ पर पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया गया है, क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। क्लिप आर्ट का काम बिल्कुल वही है जो एमएस वर्ड में था। आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा। आप बस नाम टाइप करेंगे, जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए। रोज लिखने के बाद को ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने रोज की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी। इनमें से जो भी पिक्चर्स आप चाहते हैं अपने फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ये वाली पिक्चर चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया और देखिए पिक्चर आ चुकी है। फॉर्मेटिंग भी मिलेगी और वही ऑप्शन होंगे जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप जो नाम डालेंगे वो पिक्चर आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं मोबाइल।
हमारा ये डॉक्यूमेंट है जहां हमें मोबाइल की फ़ोटो डालनी है। मोबाइल लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। बस आप क्लिक करेंगे और वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस क्लिप आर्ट को कट कर देंगे। यहाँ पे हमने जो क्लिप आर्ट डाली है मोबाइल की और रोज़ की, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इंसर्ट में आपको यहाँ पे मिलता है शेप, जिसकी मदद से आप अलग अलग शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग शेप मिल जाते हैं, एरो, स्टार्स, तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल में जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े। जैसा कि आपको यहाँ पे एरो इंसर्ट करना है तो आप एरो पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही आपने यहाँ पे एरो इंसर्ट किया, आपको फॉर्मेट का ऑप्शन भी मिल गया है। फॉर्मेट में जाकर के आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शेप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप फील है, शेप आउटलाइन है और शेप इफेक्ट्स हैं, जिसमें आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सब वही ऑप्शन हैं जो आपको इमेज के फॉर्मेट में मिलते हैं। इंसर्ट में यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट, जिनका काम बिल्कुल वही है जो कि मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि आप ग्राफिक्स डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई लिस्ट बनानी है, ग्राफिक का यूज़ करके लिस्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला ग्राफिक चूज़ करेंगे और ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्राफिक इंसर्ट हो चुका है और हम यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर टाइप कर देते हैं एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, तो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं इंसर्ट से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके। जैसे ही आप ग्राफिक्स इंसर्ट कर दें तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलता है। यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, स्टाइल आप देना चाहते हैं। यहाँ हमने इसे चूज़ किया और इसे इसे स्टाइल देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ काफ़ी खूबसूरत ग्राफिकल लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है, भी आपको इनके बारे में जानना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं चार्ट्स। चार्ट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सेल में, क्योंकि हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें हम डेटा को चार्ट की हेल्प से शो कर सकते हैं। चार्ट्स भी आपको कई टाइप्स के मिलते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्टॉक। यहाँ अन्य और भी चार्ट्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। काम सबका एक जैसा है, आप किसी भी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई पाई चार्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मैं ये वाली पाई इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डाटा इनपुट नहीं किया है। तो पहले हम एक यहाँ पे डाटा डाल लेते हैं। मान लीजिए हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी, और हिंदी में डाल देते हैं कि 70% लोग हिंदी बोलते हैं, 15% लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे पंजाबी, और पंजाबी 5% लोग बोलते हैं। और यहाँ पे एक और लैंग्वेज ऐड कर देते हैं, जैसे कि मराठी। ये एक एग्जांपल है, जैसे मराठी 10% लोग मराठी बोलते हैं। तो हम इसकी मदद से चार्ट में डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो अब टोटल ये यहाँ पे हो चुका है 100%। 20% हिंदी बोलते हैं, 15% इंग्लिश, 5% पंजाबी बोलते हैं और 10% मराठी। चार्ट अभी ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे। तो आप सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे या फिर आप चार्ट को सेलेक्ट करके डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने डाटा चूज कर लिया और ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने पाई चार्ट इंसर्ट हो चुका है और आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका है चार्ट में। आप चार्ट की हेल्प से यहाँ पे इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है। ये जो ब्लू है 70% ये लोग हिंदी बोलते हैं, ये जो रेड है ये इंग्लिश बोलते हैं, जो ग्रीन है वो पंजाबी बोलते हैं, जो पर्पल है उसे लोग मराठी बोलते हैं। इस तरीके से आप चार्ट की हेल्प से आप अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट से भी आपको डिज़ाइन मिल जाता है और डिज़ाइन से आप अपने चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिज़ाइन के, जो भी डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ करेंगे वही डिज़ाइन आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपको जितने भी चार्ट्स मिलते हैं, कॉलन है, लाइन है, पाई है, बार है, स्कैटर्स हैं, सबका काम एक जैसा है, सब ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। आप चार्ट डालेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और आपका डेटा चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। आपको सभी प्रकार के चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपको एक कॉलम डाल के दिखा देता हूँ। कॉलम पर आएंगे, एक कॉलम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हिंदी वाले सबसे ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले उससे कम हैं, पंजाबी वाले सबसे कम और मराठी वाले थोड़े ज़्यादा हैं।
इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे आपका डाटा उसी चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का सेम वही काम है जो कि आपने एमएस वर्ड में सीखा है। इसे आप किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फाइल को लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल का नाम दिया ईशान कंप्यूटर एकेडमी। कॉलम को बड़ा कर लेते हैं, साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं और इसे बोल्ड करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो एक न्यू फाइल पे पहुंच जाए। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। इस फाइल पर भी आप उसे भेजना चाहते हैं, आप उसी फाइल को यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये फाइल रखी हुई है, या फिर आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फोल्डर में जाएंगे और आप फोल्डर में से किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है वो ब्लू कलर से हो चुका है और ये लिंक बन चुका है। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी फाइल पे पहुंच जाएंगे जो हाइपरलिंक के जरिए हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये परमिशन मांग रहा है दूसरी फाइल को ओपन करने की, और यहाँ पे हम इसे यस करेंगे और यहाँ पर देखिए दूसरी फाइल ओपन हो रही है और ये दूसरी फाइल ओपन हो चुकी है और ये एमएस वर्ड की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। इसी तरीके से आप किसी वेबसाइट का लिंक भी बना सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम लिंक बनाना चाहते हैं और हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम उस वेबसाइट का एड्रेस इनपुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एड्रेस इनपुट कर रहा हूँ। एड्रेस डालने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये एक लिंक बन चुका है किसी वेबसाइट का। इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्राउजर में ये लिंक ओपन हो चुका है और हम डायरेक्टली एक वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रखा है जो हाइपरलिंक के तरीके से काम कर रहा है। हाइपरलिंक के जरिए आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करके अपनी वर्कबुक की फाइल को किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फाइल से जोड़ सकते हैं और उसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टूल मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। इसकी मदद से आप अपनी फाइल में कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका कर्सर चेंज हो चुका है। आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप इस बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं और जहाँ चाहें इसे वहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं, कलर भी इसका हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और इस तरीके से आप इसे उठा करके जहाँ चाहें वहाँ पे मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट में जाकर के आप इसे अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आप इसकी शेप को भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी आउटलाइनिंग को भी कलर दे सकते हैं और यहीं से आप इसे इफेक्ट भी दे सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं जिससे आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टूल मिलता है हेडर एंड फुटर का। इसका काम वही है जो कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ है कि आप यदि कोई बुक लिख रहे हैं या कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं जिसके हर पेज के ऊपर या नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि पेज नंबर या उस फाइल का टाइटल या ऑथर का नेम इत्यादि, तो इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं हेडर और फुटर टूल का इस्तेमाल करके। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सीट है वो यहाँ पर पेज में कन्वर्ट हो जाएगी और ये है आपका हेडर एरिया जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो टेक्स्ट एरिया है वो आपका हेडर है। तो आप किसी भी टेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा और ये प्रिंट भी होता है। इसमें नाम की जगह पे कोई डेट लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप हेडर को सेलेक्ट करेंगे तो हेडर के टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आप पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, करंट डेट डाल सकते हैं, करंट टाइम डाल सकते हैं, या किसी फाइल का आप यहाँ पे लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल का नाम डाल सकते हैं, कोई फोटो डाल सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं आप अपने हेडर और फुटर में। फुटर के लिए भी आपको यही करना है। यहाँ पे आपको हेडर के साथ साथ फुटर भी मिल जाएगा। देखिए ये आपका फुटर एरिया है। देखिए फुटर में जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं करंट डेट, तो यहाँ पे करंट डेट आ चुकी है। अब हर पेज पे आपको ये डेट देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये डेट हमने फुटर एरिया में डाली है। तो हेडर और फुटर का काम इतना ही होता है कि जिस पेज पे भी आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं हर एक पेज पे वही हेडर और फुटर शो होता है। तो ये भी काफी यूज किया जाने वाला टूल है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है।
इसके बाद नेक्स्ट टूल मिलता है वर्ड आर्ट। पहले हम कंट्रोल प्लस जेड करके अपनी शीट में वापस आ जाएंगे। इसमें आप अलग अलग तरीके के वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे एमएस वर्ड की तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं एक नेम और ये एक वर्ड आर्ट है। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट की डिजाइन कर सकते हैं, इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के साथ भी आपको फॉर्मेट टूल मिल जाता है, इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिजाइनिंग के ये टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको शेप फिल, शेप आउटलाइन और इफेक्ट भी मिल जाता है। जैसे आप शेडो इफेक्ट, ग्लो दे सकते हैं या रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक मिरर के तरीके से शो होता है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप यहाँ से उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये काम होता है वर्ड आर्ट का कि आप इसमें अलग अलग तरीके के वर्ड आर्ट की डिजाइनिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अगला टूल यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम है कि किसी दूसरे प्रोग्राम को एक्सेल में ओपन करना। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने सभी प्रोग्राम डिस्प्ले हो जाएंगे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फोटोशॉप में कुछ बनाना है, उसे एक्सेल में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फोटोशॉप को ओपन कर सकता हूँ। फिर किसी भी प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसे हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे यहाँ पे मैंने फोटोशॉप चूज करके मैं इसे ओके कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे फोटोशॉप की स्क्रीन आ गई। तो आप जो भी काम करेंगे वो आपके एक्सेल में भी होगा। देखिए मैं फोटोशॉप में कुछ करता हूँ, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ और इस फोटोशॉप में हम कुछ डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम दूसरा कलर दे देते हैं, इसे हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। फिलहाल ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका कलर रेड है, हम इसके दूसरा कलर कर देंगे। मैं इसे व्हाइट कर रहा हूँ, अब ये डिस्प्ले होगा। तो देखिए हमारी स्क्रीन पे व्हाइट कलर से डिस्प्ले हो चुका है टेक्स्ट। तो अब क्या होगा कि जो हमने फोटोशॉप में डिजाइन बनाई है वो जब इसे हम क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में ओपन हो चुकी होगी। देख लीजिए यहाँ पे ये आ चुकी है। तो ये टूल काम होता है ऑब्जेक्ट टूल का कि आप एक ही प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करके आप उस पर भी काम कर सकते हैं, उसको इंसर्ट करा सकते हैं। और जो भी काम उस प्रोग्राम में आप करेंगे वो काम आपके एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहीं से आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, एमएस वर्ड, कोरल ड्रॉ या फिर किसी भी दूसरे प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं और आप उसमें जो भी वर्क करेंगे वो आपके एक्सेल में यहाँ पे शो होगा। तो अगला टूल आपको यहीं पे मिलता है सिंबल टूल, जिसकी मदद से आप ऐसे सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते, इनके लिए शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, तो आप उन्हें भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऐसे ही मिल जाएगा बिना किसी शॉर्टकट के। आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट हो जाएंगे। कॉपीराइट का साइन चाहिए तो हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इंसर्ट करा देते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं। तो देखिए कॉपीराइट साइन यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट में जाकर के, सिंबल में जाकर के आप कोई भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आप चूज करेंगे वहां पे आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे और आप सिंबल यहाँ पे इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम है इंसर्ट टैब का कि आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, हाइपरलिंक डाल सकते हैं या फिर और भी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, जिसमें हम काफी सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, हाइपरलिंक लगाना, टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट इत्यादि को इंसर्ट करना और साथ ही साथ वर्ड आर्ट और सिंबल का यूज करना। ये काफी सारे टूल्स हैं जो कि आज की इस वीडियो से आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट में टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। टेबल डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि कितने एरिया में आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम टेबल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एरिया सेलेक्ट हो गया जहाँ हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम टेबल पे आएंगे और यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो टेबल